नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए पाठ के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठवीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से एक नया पाठ अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, बताइए कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले हैं? आइए मैं बताती हूँ। आप इस बात से या इस जानकारी से भलीभांति परिचित हैं कि हमारा भारत देश त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे भारत देश में अनेक त्योहार खुशी खुशी मनाए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक गांव में हर त्यौहार खुशी खुशी मनाते हैं। आइए तो आज हम एक ऐसे ही त्यौहार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, तो पाठ का नाम है पोंगल। पाठ 10, पोंगल। पोंगल एक त्यौहार का नाम है, तो आइए आज हम पोंगल त्यौहार से परिचित होंगे। गोपाल की उम्र करीब 10 बरस की थी। एक गोपाल नाम का लड़का था जिसकी आयु लगभग 10 साल की थी। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई। उन्हीं दिनों की बात है कि गोपाल के पिताजी को विदेश कनाडा में अच्छी नौकरी मिलती है। वे सभी परिवार के सहित कनाडा चले गए और गोपाल को भी कनाडा में बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर भी भारतीय है ना, भारत को कैसे भूलेंगे हम। उसे बार बार भारत की याद आती थी। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव का स्मरण हो आता था। स्मरण मतलब याद आना। उसे बार बार मद्रास के पास जो उनका गांव है दादा दादी का, वहां की याद आती थी जहां दादा दादी रहते थे। वहां उसने अनेक रंग बिरंगे मेले त्यौहार देखे थे। उस गांव में उसने बहुत से त्यौहार देखे थे, मेले भी देखे थे। इनमें पोंगल उसको सबसे प्रिय त्यौहार लगता था। पोंगल को बस 2 हफ्ते ही रहते थे। बस जैसे हम दिवाली का इंतज़ार करते हैं ना, 15 दिन पहले ही हमारी सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, वैसे ही यहाँ गोपाल जो है 2 हफ्ते पहले से ही पोंगल के बारे में सारे लोग उत्साहित रहते हैं। अब गोपाल को उसकी मम्मी बताती है कि पोंगल का जो त्यौहार है वह तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख, ठीक है, अर्थात जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। पहली तारीख से लेके माँ ने उसे यह भी बताया कि तमिलनाडु में धान के फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। अब पोंगल त्यौहार मनाने के पीछे क्या परंपरा है उनकी, अर्थात धान की फसल जब पूरी तरह से कट जाती है तो उन्हें समेटने के बाद जो खुशी होती है धान की फसल को देख के, उस खुशी को प्रकट करने के लिए यह पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। गोपाल यह भी जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। अब गोपाल को यह भी जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि किस तरह से पोंगल त्यौहार मनाते हैं। वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्यौहार को याद करने लगा। अब बचपन में हम तो बचपन से ही त्यौहार मनाते आ रहे हैं और बचपन से ही त्यौहार देखते आ रहे हैं। अब वह स्मरण करने लगा कि किस तरह से पोंगल का त्यौहार हम मनाते हैं। याद करने लगा। पार्वती गाय उसे आज भी याद थी। एक गाय थी जिसका नाम रखा गया था पार्वती। हम भी तो अपने पालतू जानवरों का नाम रखते हैं। दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती सवारती थी। गोपाल की दादी जिस दिन पोंगल का त्यौहार रहता था उस दिन पार्वती गाय को सजाती थी, सवारती थी। और इसी दिन गांव के बैलों को भी भव्य रूप में सजाया जाता है। जो गांव के बैल होते हैं उन्हें भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है और गली कुचों में
उनका जुलूस निकाला जाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ पोले के दिन बैलों को सजाया जाता है, उन्हें घुमाया जाता है, स्वादिष्ट पकवान खिलाए जाते हैं, ठीक इसी तरह पोंगल इस त्यौहार में भी गाय और बैलों को सजाया जाता है। 2 दिन बाद ही उसे पिताजी ने बताया, जब माँ उसे बताती है कि पोंगल त्यौहार की जानकारी देती है, ठीक उसके 2 दिन के पश्चात ही पिताजी भी गोपाल को बताते हैं कि वे सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं, कि वहाँ हम अपने भारत देश जाने वाले हैं। यह सुनते ही गोपाल खुशी से नाच उठा। गोपाल अपने माता पिता के साथ पोंगल से 1 दिन पहले अपने गांव पहुंचता है। पोंगल त्यौहार के 1 दिन पहले पूरा परिवार गांव भारत पहुंचता है। वहां सभी घरों में सफ़ेदी हो रही थी, जैसे हमारे यहां दिवाली में वाइट वॉश होता है, सफ़ेदी होती है, उसी तरह गांव में सभी घरों में सफ़ेदी की जा रही थी, क्योंकि अगले ही दिन पोंगल का त्यौहार था। पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं। पोंगल के पहले दिन वाली रात में जो सारी पुरानी वस्तुएं रहती हैं उसे जलाया जाता है होली के रूप में। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाते हैं। जब पुरानी वस्तु जलाते हैं तो ढोल बजाते हैं। यह सब उसे दादी माँ ने बताया था। यह सारी बात गोपाल को दादी जी ने बताई थी। उसे बताया गया था, विद्यार्थियों आशा करती हूँ कि पोंगल का प्रथम भाग आपको अवश्य समझ रहा है। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृह पाठ, पाठ के आधार पर आपको अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता लिखना है, कविता के आधार पर नहीं, पाठ के आधार पर। पोंगल का त्यौहार जो है, ठीक है, किस प्रकार मनाते हैं, गोपाल की उम्र कितनी थी, यह भी प्रश्न आपको लिखना है। 12, 10, 8, 9, वे सब कितने महीनों के लिए भारत आ रहे थे, ठीक है, ये 2 प्रश्न आपको क और ख हल करना है। और पूरा विश्वास है कि आप अवश्य यह गृह पाठ पूर्ण करेंगे। पोंगल पाठ के 2रे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।